बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में अब। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा गाइस, हमारे गांव में एक शिव मंदिर है। चलिए उसमें आप लोग को दिखाते हैं मंदिर कि कैसे मंदिर है। चलिए गाइस, तो गाइस फाइनली हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं। ये रहा इधर पहाड़ का लोकेशन, तो चलिए अंदर घुस के दिखाते हैं। यहीं पे रोड कटा हुआ है अंदर मंदिर जाने का। तो गाइस वीडियो में पूरा बने रहें, पूरा मंदिर अभी आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे है मेरा गांव का मंदिर। तो वीडियो में बने रहें गाइस। गाइस पहले शुरू करते हैं यहां से, चापाकल से। ये मंदिर का चापाकल है जो कि काफ़ी पुराना, बहुत दिन से है और ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो चलिए आगे फिर दिखाते हैं मंदिर में क्या क्या है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरा पीछे मंदिर दिख रहा होगा। तो चलिए अंदर में जाके दिखाते हैं इसका अंदर में क्या क्या है। अपना चप्पल जो भी पहन के आए हैं यहीं खोल लेते हैं बाहर में ही। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो आप देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है इधर। गाइस देखिए हम अंदर तक लेके चलते हैं क्योंकि अभी गेट हम नहाए हुए हैं बट खाना खा लिए हैं, इसलिए अंदर नहीं जा पाएंगे। गाइस बाहर से ही दिखा दें कि देखिए हमारे मंदिर में काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जो कि अभी हम मजबूर हैं जिसके कारण नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इस शाम टाइम हम ब्लॉग बना रहे हैं, इसलिए इधर भी साइड में भी है मूर्तियाँ तो हम बाहरी गेट से बना रहे हैं। इधर वाला गेट तो लॉक है अभी, इस टाइम हम मंदिर नहीं घुस सकते हैं क्योंकि हम खाना वाना खा के आए हैं, इसलिए सुबह टाइम कभी पूजा करने आते हैं तो तभी हम ब्लॉग फिर मंदिर का दिखाएंगे आप लोग को। गेट के अंदर भगवान शिव बाबा भोलेनाथ अंदर हैं जो कि शिवलिंग है अंदर। तो गाइस अंदर हम नहीं दिखा पा रहे हैं कुछ मजबूरी के कारण। दूसरा ब्लॉग में मैं बहुत कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोग तक दिखाने का। मैं देख सकते हैं इधर गणपति भगवान जी और मंदिर काफ़ी ऊंची है, देख सकते हैं। मैं रहे हमारे बसाहा बाबा जी, ये काफ़ी खूबसूरत है। कभी मौका मिले तो आप लोग आइए इधर घूमने के। माँ पार्वती जी मंदिर, तो चलिए इसका अंदर जाके देखते हैं। ये रहा माँ पार्वती जी का मंदिर मेन गेट, ये भी लॉक है। साइड में मूर्तियाँ देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है, और अंदर जूम करके हम कैमरा दिखा सकते हैं आपको। कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस हम ऊपर तक पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं इधर का नज़ारा, और ऊपर से यहाँ पहले बजरंग बली जी का दर्शन करेंगे फिर उस पार ले जाके दिखाएंगे आप लोग को कि कितना अच्छा वो साइड लोकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, कितना मस्त हरा भरा जगह है। ये रहे बजरंग बली हमारे, देख सकते हैं। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे। तो गाइस हम नीचे की तरफ आ चुके हैं और इधर पे आप देख सकते हैं कितना नज़ारा अच्छा खूब दिख रहा है, काफ़ी सुंदर इधर का लोकेशन आप देख सकते हैं चारों तरफ
पहाड़ की ऊंचाई से आप चढ़ के देखेंगे तो दूर दूर तक आप लोग को लोकेगा गाइस। गाइस इसी जगह मतलब कि शिवरात्रि में 3 दिन का प्रोग्राम होता है, भक्ति प्रोग्राम, तो इसी में होता है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और गाइस थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें, मेरा वीडियो देखें।